पीछे बैठी हैं आंटी, वो बोल रही हैं कि इनको ले जाओ इंडिया, शादी आदी कर लो इनसे, क्या करें बताओ। तो काशगार सेंटर को मैंने सोचा था कि थोड़ा गांव वाला होगा, लेकिन यहाँ भी थोड़ी मतलब भाग दौड़ है भाई। तो इधर का जो पॉपुलेशन है धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। और एक फैक्ट आपको बताता हूँ, किर्गिस्तान का जो पॉपुलेशन है वो है 58 लाख। तो 58 लाख लोग रहते हैं यहाँ। अगर आप बिहार का पॉपुलेशन देखेंगे ज़्यादा है इस कंट्री से। तो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है किर्गिस्तान पॉपुलेशन के मामले में। एंड आप देख सकते हैं, तो पीछे आप देख सकते हैं कोल, ये कोल, तो यहाँ कोल माइंस भी बहुत ही ज़्यादा हैं। यहाँ कोल बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, 1 किलो का ब्रत, इस कोल का किलोग्राम आदिम 600, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 रुपए किलो यहाँ का कोयला मिलता है। और कोयला से ये लोग अपने घर गर्म करते हैं, घर में जो वाटर हीटर होता है उसे लोग चलाते हैं और अपने घर गर्म करते हैं। जो कि आज मैं आपको टाइम मिलता है मुझे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग कैसे अपना घर गर्म करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यार यहाँ देखने के लिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा ये व्लॉग देखने में। देखते रहिए, अभी मैं फिर से हिचहाइक करने वाला हूँ करीब 10 किलोमीटर के लिए। ऐसे नहीं मिलता भाई तुरंत 2 मिनट में, तो देखना पड़ेगा। हेलो काक जिला ब्रात, काक जिला, डर गए बच्चे, डर गए। तो मुझे यहाँ से हिचहाइक करना है, फिर से मैं कोई हिचहाइक करने का जुगाड़ देख रहा हूँ। व्लॉगर व्लॉगर व्लॉगर, यार बहुत मज़े आ रहे हैं भाई घूमने, एक्सपीरियंस ही कुछ अलग होता है यार। आप लोग करोगे ना तब आपको पता चलेगा। बाय बाय, ऐसे कर दो बस। हॉर्न मार के जाते हैं भाई लोग कि जा भाई तू मजे में रह। तो यार अभी मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे, मतलब 6-7 साल के बच्चे घोड़े चला रहे हैं यार, बड़े बड़े घोड़े। कोयला का ट्रक जा रहा है भाई। भाई 10 मिनट से वेट कर रहा हूँ यार, नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही भाई। अरे भाई ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है भाई। ऐसे किया ना मैं तो लोग बोले कि भाई मैं उधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ। भाई ऐसे मत करना किर्गिस्तान में, ऐसे करना अगर ही चेकिंग करनी है आपको। भाई केंजाकुल के लिए मिल गया है, अनएक्सपेक्टेड। स्पासिबा केंजाकुल इता एंड केंजाकुल मसूद का स्टेशन, स्टेशन सेंटर मसूद का सेंटर। ती स्टूडेंट इले किटो टूरिस्ट ओल का टूरिस्ट टूरिस्ट दा अतकुदा इंडिया दा इंडिया बांग्लादेश नियत इंडिया देहली देहली जिम्मी जिम्मी आजा आजा जिम्मी जिम्मी आजा मिथुन चक्रवर्ती दा मिथुन। देखो भाई मिथुन जनाई थे दा माधुरी दीक्षित, माधुरी दीक्षित दा या लिब्लू यो यो आई लव यू माधुरी दीक्षित। तो भाई दादाजी को माधुरी दीक्षित कौन है पता है, तो दादाजी बोल रहे हैं माधुरी दीक्षित आई लव यू। अगर माधुरी दीक्षित आप देख रही हो तो आपके यहाँ भी फैन है किर्गिस्तान में। जो कन्वर्सेशन होती है ना बहुत ही हेल्दी होती है। पारुष की या गवरित तिबिया लुबलू माधुरी दीक्षित तिबिया
जनाइते मिथुन प्रिवेद प्रिदाय माचकुरु दीक्षित प्रिवेद दा 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 भाई ऐसे सीन है भाई, यही मजे होते हैं हिचहाइकिंग करने के, आपको कन्वर्सेशन मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है यार। इंजा कुल में जा रहा हूँ ती कुदा के ती के अपना अपना फायदो ती कंजा कुल ने निफ कंजा कुल ती किर्गिज की ने या उज़्बेक 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 नाश या उज़्बेक है तिबे как за вот за не тебя зовут Чурик Чурик तो Чурик दादा हमें यहां तक दे दिए हैं और ये ज्यादा ही प्यार में है माधुरी दीक्षित। आई लव यू माकरु दीक्षित। ओके स्पासिबो स्विदानिया। तो मैं अभी आ गया हूँ केंजा कुल में। काक जिला ब्रात काक ती भी जाऊँ नजोत अलीशेर 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 काक जिला नरमानिया। तो गांव के अंदर आ गया हूँ भाई मैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ के गांव कुछ ऐसे रहते हैं। ये पता नहीं कोई स्कूल है। गांव भी थोड़ा सिविलाइज्ड बोल सकते हैं एंड जो भी चीज़ें हैं सब अच्छे तरीके से बाउंड्री वगैरह की गई हैं। भाई पूरा गांव खाली है यार, मतलब जो चहल पहल होती है ना हमारे इंडिया में गांव में उस जैसा नहीं है यार, तो पूरा खाली टाइप का। या आए तो टूरिस्ट आके दा इंडिया दा दा व्लॉगर ये हैं हमारे आके और ये यहाँ काम कर रहे हैं कुछ अपने डोम में। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, देखो ऐसा कुछ यहाँ का घर होता है, ये देखो इस टाइप का। एंड ये चल रहा है काम। हेलो 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 ती किर्गिस ютуб блогер синема синема. Почему именно вы приехали в наше село? Here? Да. Животные, да? Да. А что это вы снимаете? Да, строителя да. Хотите снимать? Хорошо, хорошо. Привет. Хай. Ой, мера ви видео бан рая, и я ви видео бан рая. А что нету в Индии? Там дома маленькие, что ли? Там да, big house many. А? Big house many. Big house many? Да. Не понимаю. Индийские они, Индии они. Вы английский не понимаете? Английский понимает. मेरी उम्मीद जो है ख़त्म हो गई थी कि यार चलो यहाँ कुछ देखने को तो मिलना है नहीं। तो यहाँ एक जो आके हैं, आके मतलब एक अंकल हैं जो काम कर रहे थे, वो बोले भाई क्या है क्यों घूम रहे हो इधर उधर। तो मैं बोला यार मैं टूरिस्ट हूँ, यहाँ गांव वगैरह देखने आया हूँ। तो ये दादी बोली कि आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ यहाँ के गांव वगैरह कैसे होते हैं और क्या होता है इधर, जो भी चीज़ें हैं मतलब। ठीक है सो देखते हैं भाई क्या देखने को मिलता है। ठीक है बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे ये सब। तो ये आप देख सकते हो एक घर के अंदर हम फिर से आ गए हैं। और किर्गिस्तान में आप हमेशा देखोगे कि इस टाइप का आपको एक घर मिलेगा, ये खाने के लिए होता है मेरे ख्याल से। यहाँ बैठ के लोग खाते हैं और लकड़ी वगैरह यहाँ सुखाया गया है विंटर के लिए। यहाँ पैरा वगैरह देख सकते हैं। तो विंटर के लिए लकड़ी यहाँ इसलिए सुखाया जाता है क्योंकि इनके घर में जो हीटर होता है वो चलता है आग से, तो वो आप चला सकते हैं कोल से
या तो लकड़ियों से। तो ये मवेशियों के लिए घर है, आप देख सकते हैं गोबर वहाँ पर। ये देखो भाई, इंडिया में जो होता है ये देखो वो इधर भी है। देखो यार, हर चीज़ पूरी दुनिया में एक ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं गाय बैल बैठे हुए हैं। वो तो मामा है, तो माल चिक दा तो देवश का मामा है। ये है मुर्गियों के घर। इतना गधे смотрите вон вон видите лошадка। भाई बड़ा मजा आ रहा है यार देखने में ये सब। तो ये आप देख सकते हैं, छोटा सा टॉयलेट रहता है यहाँ घर से बहुत ही ज़्यादा दूर, जैसा इंडिया में भी होता है। और ये किसी तरह के फसल वगैरह हैं जो कि पता नहीं यार आपको, अगर दिमाग में आ रहा है कि ये कौन से फसल है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं लोगों के लिए। और ये आप देख सकते हैं बड़ा मुर्गा, ये आप मुर्गी देख सकते हैं। ये सब काउडंग हैं और कोई सा भी डंग जो भी आप, और पैरे वगैरह देखो ऐसे रखे जाते हैं भाई। ये बढ़िया लगा यार देखने में मुझे। खजाइन दस थे आके। तो ये यहाँ के ओनर हैं। खजाइन मतलब ये होता है कि जो भी हाउस के ओनर होते हैं उनको खजाइन बोला जाता है। इस फसीबा उता ओचिन खरासो कुदा, कोई आ गया, देखा भाई मुर्गी को क्यों कुदा रही है। तो भाई इनके जो सिर हैं पूरे ब्लू हैं, ऐसा लग रहा है कोई सिंदूर लगा दिया है। जो मेरी दादी है स्विट्जरलैंड की, उन्हें बोला था कि लागमान आप ट्राई करना था। दिस इज लोकल रेस्टोरेंट। चलो भाई आज लागमान ट्राई करते हैं। मिनिया नादा लागमान लागमान चोरने चाय चाय अच्छा अच्छा लागमान स बारानिनाय लाम 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 खरसो। भूख लग रही थी तो मैंने भाई सोचा कि चलो लागमान ट्राई करते हैं। तो लागमान मैंने पहले कभी यहाँ ट्राई नहीं किया है। वैसे लागमान बोला जाता है उज्बेकिस्तान का डिश है, लेकिन पता नहीं यार मुझे कि इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था। ये जो है तो ऐसा कुछ दिख रहा है लागमान। अब इसमें क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये एक काइंड ऑफ नूडल्स है, इसमें मटर है, प्याज है, टमाटर है और कैप्सिकम है और लैम्ब मीट है। मैं पहली बार शिप को ट्राई करने वाला हूँ, देखते हैं कैसा लगता है। अजीब लगता है तो मैं नहीं खाऊंगा। सो लेट्स ट्राई। अच्छा है। तो ये आप देख सकते हैं थोड़ा जो फ्लेवर वगैरह है ये डिफरेंट है, और इसमें फैट बहुत ज़्यादा है यार। तो जो पतले लोग हैं वो इसे हफ्ते में दो बार खाएं वो मोटे हो जाएंगे, सही बता रहा हूँ। इसमें जो फैट है ना यार, ये आपका एपिटाइट पूरा ख़त्म कर देता है। मैं ज़्यादा स्पाइसी वगैरह, और जैसे इंडिया में रहता है एकदम स्पाइसी, वैसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ही सिंपल है लेकिन अच्छा है। वेजिटेबल्स वगैरह मतलब हेल्दी बोल सकते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपको जितने भी CIS कंट्रीज़ हैं, सोवियत यूनियन कंट्रीज़ हैं, यूक्रेन में भी आपको पानी नहीं देंगे यार खाने के साथ, आपको चाय दिया जाएगा। तो ये देखो मैं चाय पी रहा हूँ, बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। चाय बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है और एकदम अंदर का जो रिफ्रेशमेंट है वो सही कर देता है। तो ये देखो कि इतना मुझे चाय मिला, इतना तो इधर पानी के वजह चाय पीते हैं लोग, क्योंकि चाय गर्म भी होती है और वो लोगों को गर्म रखता है। चो
Yatır bozdu, yatır bozdu. Gel beni verin yavrum. Ay, beni yemek getmiyorsun Hindistan'a. Можно говорить. На русский дай. Нет, узбек. Узбекский ма. А это узбек. Стоим мы рядом, кем мы с ним तो भाई मैं अभी उज़्बेक में ट्रांसलेट करके इनसे बात कर रहा हूँ। तो ये जो रेस्टोरेंट है ये उज़्बेक रेस्टोरेंट है और ये लोग उज़्बेक में बात कर रहे हैं, तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या है, क्योंकि उज़्बेक मुझे समझ में नहीं आती है। बता उज़्बेक तुर्किश ना, उज़्बेक तुर्किश सेम सेम हिंदुस्तान के। आप क्या मिस्म है, क्या मेहमान बोल के तब क्या डालते वी वुड बी गेस्ट हु इग्नोर्ड द वर्ड ती India. Jena is Jena. Jena nia. Moe ya eta malchi. And balsho nia to. Ya duast adim. Ah, ikin magri kira ten. Indio. Kaja. Samus. 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 इनके जो पीछे बैठी हैं आंटी, वो बोल रही हैं कि इनको ले जाओ इंडिया, शादी आदि कर लो इनसे, क्या करें बताओ। ओ जीना 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 अदीन जीना ना धन्य जीना मतलब वाइफ होता है इधर, और वो जो आंटी हैं उनके ये दोनों बच्चे हैं, तो वो बोल रही हैं कि इन दोनों में से किसी एक से शादी कर लो और ले जाओ इन्हें। तो मैं बोला भाई भाई मैं बच्चा हूँ 21 साल का, अभी मैं शादी वगैरह कहाँ करूँगा, बस शादी आदि थोड़ी करना है मुझे, बस लेते रहो मज़ा, सीखते रहो उज़्बेक लैंग्वेज। और उज़्बेक जो लैंग्वेज होता है ये डेरिवेटिव होता है आपका तुर्किश लैंग्वेज का, तो उज़्बेक और तुर्किश थोड़ा मतलब सिमिलर लैंग्वेज होता है, तो अगर जो तुर्किश बोलता है उसे समझ में आ जाता है, तो अच्छा है यार, मतलब कुछ तो सीखने को मिल रहा है। भैंस की आग भाई, गजब मज़े आ रहे यार। इधर पूछा जा रहा है भाई कि एक मेरी लड़की को ले जाओ, नमस्ते नमस्ते इंडिया ले जाओ, तो भाई मैंने बोला नहीं भाई मैं बच्चा हूँ अभी, मैं शादी वगैरह नहीं करूँगा। जैसा आपका बिहेवियर होता है किसी के साथ, वैसे ही आपको रिवॉर्ड मिलते हैं। तो मैंने बहुत ही अच्छा बात किया यहाँ, कम से कम आधा घंटा मैंने इनसे बातें की गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू, ऑफकोर्स क्योंकि मेरे को उज़्बेक नहीं आती है। तो मैंने इन्हें बोला कि यार आप लागमान बनाते हो क्या, मैं उसे शूट कर सकता हूँ। तो बोले कि ठीक है, हम थोड़ी देर में बनाएंगे लागमान। तो अभी आप देखेंगे ये लागमान कैसे बनाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये मोटा वाला पार्ट है और वो मोटे पार्ट से वो निकल रहा है छोटा वाला पार्ट, जो कि ये होता है। तो ये अब हीटर में जाएगा। जो वाइट वाला पार्ट होता है वो बेसन से बनता है, बेसन और आटा उससे जुड़ के बनता है। और यहाँ आप देख रहे हो मैक्रोनी भी रखी हुई है वो सब, ये देखो ये लागमान इसी से बनता है। ये बहुत मोटा वाला पार्ट है और वो उसके अंदर अभी मतलब बॉईल हो रहा है, तो उसी को निकाल के और जो भी चीज़ें हैं उसमें डाला जाता है। खतरनाक मज़े यहाँ डांस करके दिखा रहे हैं, ये उज़्बेक गाना चल रहा है, मज़े भाई मज़ा आ रहा है।